नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन बंद से जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनमें ज्यादातर केवल सियासी पार्टियां और नेता ही नजर आ रहे हैं। जिनके नाम पर यह बंद बुलाया गया है वो सीन से गायब है। जयपुर में बंद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। पटना में पप्पू यादव की पार्टी ने बंद के दौरान मोर्चा संभाला, लेकिन बंद का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे आपको ये अंदाजा मिलेगा कि किसान आंदोलन के बहाने सियासी पार्टियां मोदी विरोध का एजेंडा कहीं ना कहीं चला रही हैं और बंद को कामयाब बनाने के लिए सड़कों पर उतर रही हैं पोस्टर्स और बैनर्स लेकर। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बंद का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई सबसे ज्यादा दिखने की चाहत में है तो वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी नजर आती हैं। आप देखिए जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से आपस में भिड़ गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, हंगामा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक उनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है, बंधक बना दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात का खंडन किया, इन दावों की पोल खोली। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए पटना की, जहां पर सड़क पर ही डाक बंगला रोड प्रदर्शन का अड्डा बन गया। पप्पू यादव की पार्टी के समर्थक सीधा जमीन पर लेट गए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। कई जगह रेलवे ट्रैक्स पर किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बैठ गए। प्रयागराज से लेकर कोलकाता और भुवनेश्वर तक सियासी पार्टी और किसान संगठन ट्रैक जाम कर रहे हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की तो कोलकाता में लेफ्ट समर्थकों ने ट्रेन रोकी। कहीं बंद का असर दिख रहा है तो कहीं ये बंद बेअसर है। कई जगह दुकानें खुली, लेकिन इस बीच अमृतसर में जबरन दुकानें बंद कराए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। किसान संगठन के लोग जबरदस्ती दुकानों को बंद कराते नजर आए। लखनऊ में एक मंडी खुली थी तो एक मंडी पर ताला लगा हुआ था। तस्वीर हैदराबाद की, जहाँ किसान संगठन के लोगों के साथ कुछ कर्मचारी संघ भी बंद का आह्वान और इसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए। विशाखापट्टनम में कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। अब इन तस्वीरों का अगर आप देखेंगे तो एक बात आपको साफ समझ में आएगी कि किसान संगठनों से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता इस बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों में अब बंद का असर कुछ नजर आ रहा है। गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 को किसानों ने अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। सुबह से किसान सिर्फ दो लेन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस वक्त इस हाईवे पर हालात कैसे हैं, इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। किसानों ने अब दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH9 को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। पहले जो किसान है वो सिर्फ दो लेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब इस पूरे नेशनल हाईवे 9 को किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर अब किसान जो है वो बैठे हुए हैं। पहले सिर्फ दो लेन के अंदर किसान बैठे हुए थे, लेकिन अब पूरे तरीके से NH9 नेशनल हाईवे 9 को ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप दिल्ली से गाजियाबाद नहीं जा सकते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और इस हाईवे को मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो NH9 है ये गाजियाबाद जाता है, इसके अलावा बुलंदशहर जाता है, मेरठ ये हाईवे जाता है और इन सभी जगहों को दिल्ली से जोड़ता है। लेकिन अब किसान यहाँ पर पूरे तरीके से बैठे हुए हैं। सुबह से सिर्फ जो किसान है वो सिर्फ दो लेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं सभी लेन पर किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। अभी तक आप लोग दो लेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है। आज पूरे भारत का चक्का जाम है, चक्का जाम, और पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। दो हाईवे के सारे प्रदेश के सारे देश के चक्का जाम रहेंगे। बहुत दिक्कतें हो रही है लोगों की, दिक्कत के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, लोगों की समस्याएं तो समाधान के लिए बैठे हैं। मोदी जी करा रहे हैं दिक्कत, किसान थोड़े करा रहे हैं दिक्कत। अगर मोदी जी सही होते हैं तो लोगों को ना दिक्कत होती, ना हमें दिक्कत होती, हम ही तो लोग ही तो हैं।
पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है, गाजियाबाद से दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली से गाजियाबाद नहीं जा सकते। देखिए बच्चों के लिए, बीमारी के लिए, सबके लिए छूट है, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए छूट, वो निकल जाएंगे, जो बीमार है वो निकल जाएंगे, कहाँ परेशानी है। हमने देखा भी एम्बुलेंस यहाँ से आप लोगों ने जाने दिया। देखिए हम तो बहुत शांतिपूर्ण करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही तो हम फिर टेढ़े रूप लेंगे। हम तो बहुत शांति रूप से बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही ताजा सुझाव शांति रूप में, हम तो शांति से बैठे सब लेकर दे रहे हैं। 10 बजे तक ड्यूटी वाले ड्यूटी पहुंच गए, मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंच गए, उस वक्त ड्यूटी पहुंच लिए मुख्यमंत्री भी, और जहां ये लोग हैं ड्यूटी वाले सब अपनी ड्यूटी पे। 3 बजे ड्यूटी छूटेगी तो हम उठ जाएंगे, हम तो बहुत शांतिपूर्ण कर रहे हैं। अभी तक 2 लेन बनती, अब पूरा हाईवे बंद कर दिया गया, अभी तक 2 लेन बनती, पूरा हाईवे बंद कर दिया गया, पूरा हाईवे बंद है। जब तक पूरा बंद रहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक पूरा हाईवे बंद रहेगा। 70 साल से किसान परेशानी किसी को नहीं दिख रही, 70 साल से किसान परेशान है, लूट रहा, रात दिन मर रहा, इसकी परेशानी किसी को नहीं दिख रही। 4 घंटे ये अगर हाईवे बंद हो गया तो सबको ये चल जाएगा, कि आदमी परेशान परेशान। सरकार कह रही है ये बिल तो किसानों के हित में है, विपक्षी पार्टियां उन्हें जो है बरगला रही है, किसान को नहीं चाहिए। क्या भारत बंद सिर्फ मोदी